understand. थोड़ा थोड़ा पीछे सामने सामने सड़ जाए ना, फिर पीछे हैं तो सामने सड़ हटो तो थोड़ा आगे चलो, आगे चलिए चलो 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 सामने चढ़ गई पेशेंट से बात करेंगे अंदर हम लोग, ठीक है सर? पेशेंट से बात करके दिखाइए अरविंद जी सर। वीडियो कॉल हो रहा है हमारे गाइडी डिपार्टमेंट में, वहाँ से हम एक पेशेंट की आपसे बात करवाएंगे। पेशेंट की डिटेल कुछ है या फिर हम ही पेशेंट किसी भी एक पेशेंट किसी एक पेशेंट किसी एक पेशेंट से हमें बात करनी है, आप उनसे हमारी बात करवाए। सर 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 पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का आप नाम बताइए ताकि पेशेंट से बात हो जाए। पेशेंट की फोटो नहीं आ रही, बता दीजिए मुख्यमंत्री। पेशेंट की फोटो भी नहीं आ रही है, पेशेंट पर कैमरा फोकस करिए। भाई जितेंद्र के चलो, जितेंद्र के चलो। सारे यंग डॉक्टर्स आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं जो कोरोना की सेवा में लगे हुए हैं पिछले 100 दिन से। तो हमारा 100 दिन हो गया है कोरोना की सेवा में, 17 मार्च से हमने स्टार्ट किया था ये 17 मार्च, और अब हम पूरे 100 दिन हो गए हैं। दिस वाज द फर्स्ट कोरोना हॉस्पिटल इन दिल्ली। हां एंड इट इज सर, ये बड़ा हमें अच्छा लगता है आपको बताते हुए कि पूरे देश में अब हम नंबर वन पर, 2000 बेड कहीं पर भी नहीं है, बॉम्बे में और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री सब 18 से ज्यादा कहीं नहीं है। सो वी आर नंबर वन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोरोना केयर। हमने क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रदान की है और कितने मरीजों को ठीक किया ब्रीफली सर मैं आपको बताऊँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये सर हमारा अस्पताल 90 साल पुराना है, लॉर्ड इरविन ने इसकी स्थापना की थी 1930 में। सो रफली 90 ईयर्स ओल्ड कॉलेज, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर एम्स, सो वी आर द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री एंड ऑल स्टूडेंट्स दे प्रीफर इट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे टॉप रैंकिंग, नंबर वन रैंकिंग इन द कंट्री। In terms of corona care, it was declared purely dedicated corona care hospital of North India first. So initially we have 500 bed and 1000 and 1500 and all 2000 bed are backed with the oxygen supply.
सारे बेड्स पे ऑक्सीजन का? हाँ सर, 2000 पे ऑक्सीजन है, 384 पे हमारा पाइप ऑक्सीजन है और 1200 पे सिलेंडर है, बाकी पे हमारा जो है सिंगल सिलेंडर है और कुछ पे हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो इस तरह से पूरे 2000 पे हमारा ऑक्सीजन बैकअप है, सप्लाई है। अभी जो पाइपलाइन है उसका काम अभी चल रहा है, सर्जरी में भी है, गुरु नानक में भी है और मेडिसिन ब्लॉक में 160 है बेड पाइप ऑक्सीजन वाला। गायनी का हमारा बहुत अच्छा है, सीजेरियन सेक्शन सर हमारे पास 60 हुए हैं अभी तक, नॉर्मल डिलीवरी 84। ज़्यादातर जो प्राइवेट अस्पताल है वो पॉजिटिव माता हैं तो उसका डिलीवरी कराने से मना करते हैं, पर हमारे पास पूरे दिल्ली से पेशेंट्स आते हैं डिलीवरी कराने के, जो पॉजिटिव पेशेंट है कोरोना मदर्स, मदर इज पॉजिटिव एंड सी इज 9 मंथ प्रेगनेंट। लेबर में कई बार ऐसा होता है कि दूसरे अस्पताल में धक्के खाते हैं फिर यहाँ पे आते हैं, तो हम उसको रितु मैडम तुरंत उनको भर्ती करती है और डिलीवरी के लिए हमारा गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो सीजीरियन सेक्शन कंट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा हुए, पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा सीजीरियन हमने की है, नॉर्मल डिलीवरी 84 की हमने। और बच्चों का न्यूनेटल आईसीयू है हमारा, पीडियाट्रिक आईसीयू है, जो कि जो कोरोना पॉजिटिव मदर्स होते हैं उनके जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनको हम उसमें रखते हैं नर्सरी। इसके अलावा सर हमारे पास 400 बेड सर्जरी ब्लॉक में है, 250 बेड ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में है और 100 बेड गुरु नानक आई सेंटर में, जिसमें कि हमने कंसंट्रेटर का इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर ये स्लाइड है कि हम इसी पे फोकस करें कि हमारे 500 बेड कैसे हों आईसीयू के। अभी हमारे पास 100 बेड, ये आज रितु मैडम ने 100 बेड पूरे कर दिए, कल तक 80 थे सर हमारे पास आईसीयू बेड्स, 80 थे, टुडे वी हैव 100 बेड्स ऑपरेशनल। और इसमें हमारे एनेस्थीसिया के बेड्स हैं, कोरोनरी केयर, रेस्पिरेटरी केयर और बच्चों के आईसीयू मिला के ये सब है। अभी हमने थर्ड फ्लोर पे कल एड किए थे ये 15 बेड और कैजुअलिटी में 5 बेड आज इन्होंने चालू कर दिए, नए वेंटिलेटर लगाए वो इन्होंने चालू किए। इसके अलावा सर एचडीयू बेड्स भी हमारे पास हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह का सर हमारा आईसीयू सेटअप है। नेक्स्ट, ये सर नई सर्विस हमने स्टार्ट की है हेल्प डेस्क, ये आपके निर्देश से किया है सर, सर ने भी कहा कि आपको बहुत अच्छा सर्विस देना है, टैब आपको प्रदान करनी है, तो वो सर हमने टैब इधर ही रखी है, पेशेंट इधर आता है वो उधर वेटिंग हॉल है जहाँ पे बैठ जाते हैं पेशेंट, एयर कंडीशन एरिया है और उनको हम पानी देते हैं और उनको 4-5 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको सारा इंफॉर्मेशन इंडोर पेशेंट को वहीं पर प्रदान करते हैं। यहाँ हमने 2 कंप्यूटर लगाए हैं और 2 टैब दे दिए और 8 लड़के वहाँ पर लगाए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट के रिलेटिव से बात करा देते हैं टैब से। और पेशेंट पहले संतुष्ट नहीं होते थे कि उनका इंफॉर्मेशन इंडोर का कि कहाँ वार्ड है, पेशेंट सीरियस है, ऑक्सीजन पे है, आईसीयू में कहाँ है, तो यहाँ से हम उसको फोटो दिखा देते हैं मरीज का, तो मरीज के रिश्तेदार उस पर वीडियो चैट करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सर्विस हमने सर आज से स्टार्ट की, सर ने कहा कि पूरे वार्ड में पहले हम 10 ये टेबलेट्स थे हर एक ब्लॉक में एक, सर ने कहा कि नहीं हर एक वार्ड में हमारे पास 31 वार्ड है, तो 31 वार्ड सारे हमने वीडियो चैटिंग से और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ दिए, मरीजों से लाइव बात हो सकती, तो दिस सर्विस वी हैव स्टार्ट। लास्ट में सर मैं ब्रीफली बताता हूँ, प्लाज्मा थेरेपी से हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए थे, पहले हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था और 29 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी हम दे चुके हैं, 200 का परमिशन हमें और अभी मिला है, इन 200 में भी दिया, अभी 200 में सर हाँ कितने दे दिए? 9 पेशेंट्स और 5 पेशेंट्स अभी कल भी एक पेशेंट को दिया और इंचार्ज ऑफ आईसीयू, सो वी आर हैविंग 4 or 5 पेशेंट्स डेली फॉर प्लाज्मा थेरेपी, सो वेरी गुड टीम वी हैव फॉर प्लाज्मा थेरेपी एंड रिजल्ट्स आर वेरी एनकरेजिंग। एक दूसरी दवाई है सर इटोलिजम है, ये भी हमने 22 मरीजों को दी है, इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, पर क्योंकि महंगी है तो इसलिए अभी हम इसको खरीदने के लिए सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी मिल जाए, एक रेमडेसिविर मिल जाए, एक ये दवाई मिल जाए, तो हमारे मरीजों की जो डेथ रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। कितना क्या है कि मतलब व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज अराउंड 50,000 पर पेशेंट, एक मरीज का 50,000 लेना चाहिए। वो दिक्कत ये अप्रूव्ड अप्रूव्ड नहीं ड्रग आईसीएमआर ड्रग कंट्रोलर प्रोसेस तो पूरा करना है। ये सर हमारे सारे जो जूनियर डॉक्टर हैं ये 10 से 12 घंटे काम करते हैं, पीपी किट में काम करना बड़ी दिक्कत होती है गर्मी का टाइम है, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू वर्क इन द हाई टेंपरेचर। सो आज आपको और स्टाफ मिल रहा है? आज हो गई है फाइन,
we Loknayak are very proud of their service. No, we are all proud of you. Yes. Next. All the doctors, nursing, administrators. So हमारा वर्कफोर्स भी सर क्योंकि हम ड्यूटी के बाद ऑफ देते हैं एक हफ्ते का कंपलसरी तो उससे हमारा इन्फेक्शन रेट कम है अभी तक 80 लोग हमारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं नर्स डॉक्टर एक अभी भी हमारा जो एक डेथ भी हो गया हमारा टेक्नीशियन का कोरोना वन ऑफ आवर टेक्नीशियन डाइड इन आवर हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ कोरोना एंड वन इज स्टिल इन द क्रिटिकल फेज इज इन ICU डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट है वो बीमार है बहुत ज़्यादा सीरियस है 20 दिन ये सर हमारा कैजुअल्टी सर्विसेज है रितु मैडम उसको मैनेज कर रही दिस इज द कैजुअल्टी एरिया और ये सर कोरोना पॉजिटिव मदर है जिसका हमने डिलीवरी कराया था अभी लास्ट मंथ आज एक नई सुविधा का हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं अभी तक प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर हम लोग कोरोना का पेशेंट अंदर है तो रिलेटिव उससे नहीं मिल सकता था और रिलेटिव को पता नहीं चलता था मेरा मरीज ठीक है नहीं है बात करना चाहते हैं उनके घर वाले माँ बाप बीवी बच्चे बात करना चाहते हैं तो अब ये सुविधा शुरू हो गई यहाँ पे अंदर टैब्स लगा दिए हर वार्ड में और यहाँ बाहर से आप उस टैब से उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं वेरी गुड अब सर हम हमारे जो एचओडीज हैं वो वेट कर रहे हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए तब तक सर हमारे नोडल अफसर हैं गोपी कृष्णा ही विल ब्रीफ यू सर एज डॉक्टर सेड और कुछ इनिशिएटिव्स लिया सर वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगवाया सर एंटी बेड्स का पता चले और नर्सिंग ऑर्डरली का कमी था सर आपने अप्रूवल दिया 25% एक्स्ट्रा ले सकते हैं उसने 125 लिया और डॉक्टर्स पर यू और 100 गया और रूम्स में टीवी भी लगा रहा है सर ताकि वार्ड्स में ताकि उनका मेंटल टेंशन थोड़ा कम हो जाए बहुत अच्छा तो लग गया लगा रहे हैं अभी लग गया सर दे आर अबाउट टू स्टार्ट आज हम फोटो भेज देंगे बहुत अच्छा और सर CCTV भी सब में लग रहे हैं और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बना देंगे सर तो ताकि यहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव लगे तो थोड़ा मॉनिटरिंग बहुत अच्छा और टैब से भी हम भी मॉनिटर कर सकते हैं इसमें ये भी फायदा है कि ये जो टैब्स हैं मेरी इनसे बात हो रही थी तो ही कैन ऑल्सो टॉक टू पेशेंट्स मान लीजिए कोई कंप्लेंट या कोई ग्रीवेंस है तो रादर देन गोइंग इनसाइड टू वार्ड एवरी टाइम डायरेक्टली पूछ के वहीं से ये वहीं टैब से ही उस पेशेंट से तुरंत बात कर लेंगे ठीक है You can start.